नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंदरू की खेती के बारे में। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे वीडियो में कुंदरू की फसल लगी हुई है। एक पौधे में जो है तीन जड़ें लगाई जाती हैं। एक पौधा तैयार करने के लिए तीन से चार दो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप मचान भी बना हुआ है, पूरा तैयार है इसका मंडप मचान बन के। और इसमें जो है इसको लगाया कब जाता, चलिए बात करते हैं। इसको लगाने का जो सही समय है अक्टूबर से लेकर के फरवरी का लास्ट सप्ताह लगाने का। और फरवरी में जो है ये इसमें जो है शाखाएँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये गर्म मौसम पाता है तभी आप जो है अक्टूबर में ही लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर में वैसे पड़ा रहेगा हरा भरा, मतलब उसका जो जड़ है, और जैसे ही गर्मी पाएगा उसमें शाखाएँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो है मचान पे आने लगता है। मार्च में जो है, मार्च तक जो है ये आपका मचान पे चढ़ जाएगा एक महीने के अंदर अंदर। और आप जो है इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें जो है लगाने का सही तरीका ये है कि इसकी जो है कटिंग करके लगाना काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें जो है उत्पादन अधिक मिलता है। आपने सुना होगा कि जो है पौधे को अगर कलम करके लगाया जाए तो उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो वही चीज़ है, जब जितनी बार इसका कलम करेंगे उतना अधिक जो है उत्पादन आपको मिलेगा इसकी। दोस्तों अगर आपने कुंदरू की खेती एक साल कर ली तो आप तीन साल लगातार उत्पादन ले सकते हैं एक ही पौधे से। तीन से चार साल के बाद फिर इसको जो है उजाड़ करके फिर आपको दूसरे जगह लगाना होगा। और एक ज़्यादा उत्पादन देता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। आप 6 से 7 महीने 8 महीने तक लगातार उत्पादन इससे ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। ये इसकी खेती में बहुत कम लागत आती है दोस्तों, सिर्फ मचान बनाने की जो लागत आती है वही आती है, बाकी इसमें दवा और खाद बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा कम लागत में अच्छा पैसा देने वाली सब्जी की खेती है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे बीच में जो जगह है ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, खरपतवार को काफ़ी अच्छे से नियंत्रण किया गया है ताकि इसके अंदर जो है बीमारियाँ ना पनपे। और हालांकि इसमें बीमारियां आती नहीं हैं लेकिन साफ़ सफाई रखना काफ़ी अच्छा रहता है। जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो खरपतवार भी खींचते हैं, इसलिए साफ सफाई करना ज़रूरी होता है ताकि पौधे को ही जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पौधे को ही मिले, बाकी खरपतवार को ना मिले। अगर इसकी हम बात करें रेट क्या चल रहा है कुंदरू की मार्केट में, तो इस समय का जो रेट है मई के महीने में 30 रुपये किलो है। और जब बारिश का मौसम आता है तो उस समय मार्केट में जो है सब्जियां बहुत कम रह जाती हैं और जो मचान पे जो सब्जियां होती हैं वही मार्केट में बिकने के लिए जाती हैं। तो उस समय जो है इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, 50 रुपये तक किलो के हिसाब से मिल सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो है इसमें टमाटर की भी खेती की गई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसको किस मिट्टी पर लगाया जाता है। यह सभी तरह की मिट्टी पे इस पौधे को लगाया जाता है और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है हर मिट्टी पे। और दोस्तों आपको बताते चलें इस वीडियो में जो आप ये धागा देख रहे हैं ये 4 नंबर का धागा होता है, ये मजबूत धागा होता है। ये इसका जो है लोड जितना भी लोड रहेगा ये आप झेल लेगा, ये धागा जल्दी टूटता नहीं है। तो जब भी लगाइएगा तो 4 नंबर का ही धागा लगाइएगा, ये मजबूत होता है, रेशम का धागा आता है। अगर आपको इसका प्लांट लेना है, पौधा लेना है तो हम ऑनलाइन बेचते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको हमारे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा उस पर आप संपर्क कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपको जहाँ भी चाहिए हम उस एड्रेस पर भेज देते हैं। आपको अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आप कॉल करना है, उससे पहले करेंगे तो आपको पौधा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर ऑर्डर दे देंगे तब भी हम आपका नाम और नंबर सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाद में कॉल करते हैं। यह जो कुंदरू है दोस्तों ये पतली वाली है और ये जो है हाईब्रिड में आती है। हमारे पास देसी भी है, अगर आप देसी लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और हाईब्रिड में लेना चाहते हैं तो आपको हाईब्रिड में भी पौधा उपलब्ध हो जाएगा। हमारे पास दोनों वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, देसी और हाईब्रिड दोनों। अगर दोनों में से जो भी आपको लगाना है, अगर आप खेती करना चाहते हैं इसका बहुत ज़्यादा तो आप हाइब्रिड लगाइए, अगर आप किचन गार्डन में यूज करना चाहते हैं, घर पे खाने के लिए उगाना चाहते हैं तो आपको देसी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए।
देसी का स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये पौधा कितना उत्पादन देगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी देखरेख किस प्रकार की जा रही है। अगर आप देखरेख नहीं करेंगे तो उत्पादन कहाँ मिलेगा। आपको देखरेख करना है, सही समय से इसको सिंचाई करना है, सही समय से इसका खरपतवार नियंत्रण करना है। अगर सही समय से इसको आप देखरेख करते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, तो काफ़ी अधिक आपको उत्पादन देगा। और बहुत से किसान ऐसे कहते हैं कि हमको उत्पादन नहीं मिला, क्योंकि पौधा लगा देने से ही उत्पादन नहीं मिलता, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। समय समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। बहुत से हमने किसानों को देखा है कि लगाने के बाद सिंचाई करते नहीं है, पानी के लिए जो है पौधा काफ़ी समय से सूख जाता है, तो फिर उत्पादन कहाँ मिलेगा। सही समय पे ही देखरेख जब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन यही पौधा आपको देगा। चलिए अब बात करते हैं पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए। पौध से पौध की जो दूरी है 5 से 6 फीट होनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए 5 फीट, इससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
ठीक तो हम जाना था तू कहने का।